हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुदामा भदौरिया चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज फिर जा रही हूँ मैं शॉपिंग करने कानपुर, क्योंकि एक दिन में तो हो नहीं पाएगा, कई दिन जाना पड़ेगा। उस दिन तो काफी सारा सामान ले आए हैं, आज फिर जा रहे हैं। आज हम और अंशु जा रहे हैं। फेमस हो जाएंगे अमरूद। भैया मीठा है खूब? पेड़ा नहीं है एकदम, बता दे भैया क्या रेट है अमरूद? 8 रुपए किलो। मीठा है खूब? मीठा है। अच्छा तो दे दे 1 किलो हमका। आ गए हम लोग शिवाला। बड़ी भीड़ है, मम्मी लहंगे वाले के यहाँ आए हैं। अच्छा लगेगा तो देखो लेते हैं, नहीं तो फिर श्रीलगन मिलेंगे। बहुत ही प्यारे लहंगे हैं इनके यहाँ। क्या रह गया दीदी? हल्दी वल्दी के लिए अच्छी लगी। नहीं तो मैच ट्राई हो गया, तब भी मैंने बराबर मैच ट्राई हो गया। नहीं हम भी जीते, हम 60% करते हैं। बहुत मस्त मस्त साड़ियां हैं श्री लगन में। अच्छा हाँ जाता है तो पर सब कुछ तो आके हमने तो ऐसा कर दिया। ओम प्रकाश राजभर है वो वाली साड़ियाँ भी हमारे नीचे दिखाई। बहुत लेट हो गई, अब जा रहे हैं घर। हमारे घर में पेंट होने लगा, शादी की तैयारी शुरू है जोरों तोरों से। और जिसको जिसको संपर्क करना हो विमल से, है ना विमल, एक्सपर्ट पेंटर है। गर्मी के मारे सब सूख रहा है जल्दी ना। सोफा उफा सब गेस्ट रूम के बाहर आंगन में रख दिए गए। सब सफाई चल रही है आज किचन की। ये सब
बड़ी मेहनत पारी काफी बकाया है टाइल्स करे है ऊपर की गैस पट्टी ये सब सफाई है बकाया गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज जा रही हूँ मैं फतेहपुर, तो बहुत सारा सामान खरीदना है, साड़ियों में चूड़ी लगवानी है और बहुत सारी शॉपिंग करनी है, तो अभी बस निकलने वाली हूँ। काफी देर हो गई है ना। अच्छा आ गई मैं चौक। मैं भैया के पास चूड़ी लेने आई हूँ, इनकी बहुत ही अच्छी दुकान है और मैं हमेशा यहीं से चूड़ियाँ अपनी साड़ियों में लगवाती हूँ। चौक में चूड़ी गली में इनकी दुकान है। ये फतेहपुर का रुचका मॉल है। आ गए हम लोग टेलर के यहाँ, नैना टेलर। बस अब आ गई मैं फैशन फिट के यहाँ। आज तो बहुत भीड़ है दुकान में। अब शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर ली है, खूब रात 9 बज गया है, तो अब जा रहे हैं कुछ खा पी ले, इसके बाद में घर जाएंगे। आ गया हमारा हनी चिली पटेटो। जा रहे हैं घर है ना सर। अब आ गई हूँ घर और जा रही हूँ अंशु के पापा को किंग को रोटी सेकने। और फिर सुबह मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे मेरे कपड़े की धुलाई चल रही है, सब पर्दे धोने हैं।
क्योंकि काफ़ी गंदे हो गए थे तो सब धुलना है। अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं तो सभी धुल के कमरों में टांग दें। कपड़े भी धुल रही हूँ क्योंकि फिर टाइम नहीं मुझे मिलेगा, तो पहले से सब कर ले रही हूँ। और अपने कमरे के लिए दूसरे पर्दे लाई हूँ, जो मेरे फर्नीचर का कलर है उसी मैच की लाई हूँ। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सुदामा भदौरिया को सब्सक्राइब करिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए। जय माता।